दिस इज 48 आवर्स इन जयपुर। अगर तुम्हारे पास जयपुर में 48 आवर्स हो तो तुम क्या करोगे? मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, हमने क्या किया, मेरा दोस्त भी है मेरे साथ। सबसे पहले लो मेट्रो फ्रॉम वेयर एवर यू आर स्टेइंग टू हवा महल। हवा महल जो आपको जयपुर की हर गूगल सर्च में मिलेगा। टैक्सी भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। हवा महल से आगे का व्यू लेने के बाद जाओ टेरेस कैफे और वहां जाके करो बहुत महंगा नाश्ता, क्योंकि यहां सारे पैसे व्यू के हैं। फिर करो हवा महल के अंदर प्रवेश, मेरा मतलब एंटर। फिर वहां चाहे तो झरना देखो, दरवाजे खोलो, खिड़कियां खोलो या ये वाला व्यू देखो। उसके बाद जाओ जंतर मंतर, विच इज रियली जंतर मंतर। ये बात तुम्हें तब रियलाइज होगी जब तुम गाइड ऑप्ट करोगे, तो कर लेना, ऑल्दो हमने नहीं किया था। देन टेक अ ऑटो रिक्शा टू नहरगढ़ फोर्ट एंड इट विल टेक अराउंड 40 मिनट्स टू रीच देयर एंड द ऑटो वाला विल वेट देयर फॉर यू जब तक आप घूम के वापस ना आ जाओ। देन द सेम ऑटो विल टेक यू टू जल महल, बट जल महल इज नॉट दैट गुड, बट वहाँ का माहौल वॉज ऑसम, कबूतर, राजस्थानी ज्वेलरी एंड ऑल। देन वो ऑटो वाला आपको वापस हवा महल लेके आएगा, वहाँ पे चाहो तो थोड़ी शॉपिंग कर लो और हवा महल का नाइट व्यू ले लो। अगले दिन फिर एक ऑटो लो अंबर फोर्ट के लिए एंड ये सेम फोर्ट है जहां जोधा अकबर की शूटिंग हुई थी। एंड ऑल्सो द सेम ऑटो वाला विल टेक यू टू पन्ना मीना का कुंड एंड यहाँ पे भी बहुत सारे मूवी और सॉन्ग की शूटिंग हो चुकी है। एंड उसके जस्ट बगल में ये बहुत पुराना अराउंड कुछ 2000 साल पुराना मंदिर है जो आपको भूल भुलैया मूवी में भी देखने को मिला होगा। एंड आफ्टर ऑल दिस इफ यू हैव टाइम लेफ्ट तो मार्केट की ओर निकल जाओ। सो वी वेंट टू दिस बच्चों वाला खेलने का पार्क एंड यहाँ पे सिर्फ हम खड़े होकर देख रहे थे। देन वी वेंट टू वर्ल्ड ट्रेड पार्क, एक बहुत बड़ा मॉल, और यहाँ थोड़ी स्केटिंग कर लो या फिर लेंस कार्ड से चश्मे पहन के फोटो खिंचा लो। थैंक्स TOI टू मेकिंग दिस ट्रिप सक्सेसफुल। दो दिन में जयपुर दिखाना वॉज डिफिकल्ट बट आई ट्राइड माई बेस्ट। सो दिस वॉज माई जयपुर ट्रिप एक्सपीरियंस। वैसे ज़रूरी तो नहीं बट दोबारा आने में कोई हर्ज भी नहीं है।